ये न्यू बॉर्न बेबी अक्सर रात को इतना रोते हैं कि इस फैमिली के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चा सोने में नहीं आता, माँ भी परेशान, दादी नानी बाप सब बेआराम होते हैं। और इसका आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा इस तरह से रो रहा है शाम को, आप देखिएगा। तो उसका आसान तरीका यह, कभी हम चूसनी देते हैं, कभी उसको ओवर फीडिंग करा देते हैं, माँ भी फीड करा रही है, फीडर भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा चुप होने में नहीं आ रहा। फिर उसका पैम्पर चेक किया जाता है कि कहीं इसका पैम्पर तो चेंज होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी वजह नहीं। वो बेआराम हो रहा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती। उसका तरीका ये है नींद लाने का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी इसकी रेमेडी है, ये देखें, ये कोल्लू का सरसों का। मुझे हंसी असल में बहुत आती है जब ये छोटे छोटे बच्चे रोते हैं कि वो बता नहीं सकते कि क्या मसला है। ये देखें, सरसों का ऑयल है कोल्लू का। ये आपने इस तरह से लेके, ये बच्चे के छोटे छोटे पाँव हैं, इस पर मसाज कर देना, मसाज करना है। और आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसके रोने की स्पीड कम हो रही है। अब आपको आवाज़ इसकी आनी कम होगी। ये देखें, ये इस तरह से आपने छोटे छोटे पाँव में और इसके नेल्स के ऊपर इस तरह से मसाज कर देना है। और आप देखिएगा कि चंद ही मिनटों में बच्चे के रोने की स्पीड कम हो गई है और ये बच्चा अब नींद की आगोश में जाने वाला है, और माँ को भी सुकून और बाकी के अफराद भी। ये देखें, बच्चा बिल्कुल खामोश हो गया इसकी वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता इस पर नींद आने लगेगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सोने लगा है। और बिल्कुल इसको देखें, सुकून आ गया इसके पाँव। ये दिमाग में ड्राइनेस हो जाती है बच्चे के, इस वजह से हम बिल्कुल केयर नहीं करते कि इसके पाँव जो हैं इसको ऑयल लगाएं, हल्का हल्का मसाज करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, बच्चा सुकून से चुप कर गया है, बेतहाशा रो रहा था, तो ऑयल लगाते ही बच्चा खामोश हो गया और आराम से गोद में लेटा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सोने लगा है, इसको नींद आने लगी है। और ये सुकून से सो गया है, और अब इसे हम यहाँ लिटा देते हैं। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बच्चा कितने सुकून से एक मिनट में सो गया है, कितना बेतहाशा रो रहा था, और एकदम से देखें आराम से सो गया है। स्वीट हार्ट।